अररिया ब्लॉक के अंतर्गत दियारी पंचायत वार्ड नंबर 6 में जन वितरण प्रणाली की विक्रेता बीबी मुस्तकीमा उर्फ मुसिया पति मोहम्मद यूसुफ के द्वारा ग्रामीणों के हक के राशन का बड़े पैमाने पर कालाबाजारी किया जाता रहा है। दिनांक 7 गुरुवार को कालाबाजारी के उद्देश्य से ट्रैक्टर पर अनाज लादकर बाहर भेजा जा रहा था। इसी दौरान सभी ग्रामीणों के द्वारा देखे जाने पर पकड़ लिया गया, जिसके दौरान वहां पर हाथापाई भी हुई, जिसमें ट्रैक्टर को तेज रफ्तार से भागने के दौरान अनियंत्रित होकर एक दुकानदार मीर नजीर की दुकान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। ट्रैक्टर को पकड़कर अररिया थाना में लाया गया। डीलर द्वारा राशन वितरण में भी लापरवाही बरती जा रही है, जिसमें एक यूनिट का रेट 13 रुपया है, लेकिन डीलर के द्वारा 15 रुपया लिया जाता है और एक यूनिट में आधा किलो अनाज काटा जाता है, उसके बावजूद वजन कम दिया जाता है। जब उसी अनाज को घर पर आकर मापा जाता है तो मात्र 4 किलो ही होता है। लाभुकों के द्वारा विरोध करने पर उसके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है। लाभुकों को गाली गलौज कर कार्ड फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि तुमको जहां जाना है जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, जिसकी सूचना पूर्व में लिखित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी अररिया, अनुमंडल पदाधिकारी अररिया एवं जिला पदाधिकारी अररिया को दी गई है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके कारण इस वैश्विक महामारी में गरीब जनता बहुत आक्रोशित है। मौके पर समीम अख्तर, बिंदेश्वरी मंडल, जव्वाद आलम, मसूमात पारो, गुलाब चंद मंडल, अशोक मंडल, मीर खुर्शीद, प्रदीप मंडल, मोहम्मद मुर्शीद मीर, विजय मंडल, मोहम्मद एक लाख, संजय मंडल, दुलारी देवी, सैमुन निशा, बीवी तलत बानो, बीवी सबनम और वहां के ग्रामीण आदि मौजूद थे।